Assalamualaikum students, welcome to Dadi Secondary channel. And first of all, this video is for class 3. And let me show you the book cover. मैं आप लोगों को एक आपका new book का cover दिखा देती हूँ. आपकी new book जो है English की, यह आपकी English की class 3 की book है, Oxford Reading Circle second edition. ये उन बच्चों के लिए जो 2 क्लास से प्रमोट हो गए, क्लास 3 में आए हैं. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू अरेंज दिस बुक एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम जो है आप लोग की स्टडीज़ कंटिन्यू रख सकें, आप लोग को जो है चैप्टर वाइज और आपको पढ़ा सकें और आपको समझा सकें और आपको कम कॉपीज़ में काम कंटिन्यू करवा सकें. ठीक है, आप लोग जो है अपनी पुरानी कॉपीज़ जो है स्कूल की कॉपीज़ यूटिलाइज़ करें, उनमें आप जो है जितना भी काम हो वो सब इंग्लिश का उसमें करें और कोशिश करें कि अच्छे से सारा काम समझ सकें, कर सकें, ताकि जब आपका स्कूल खुले तो आप अपना सारा काम चेक करवा सकें. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़, फर्स्ट चैप्टर इज़ द रेस्टोरेंट. हमारा जो टॉपिक है पहला वो है रेस्टोरेंट. ठीक है, रेस्टोरेंट से क्या समझ में आता है? आप लोग जो है, उम्मीद है मुझे कि आप लोग सब रेस्टोरेंट तो जाते रहे होंगे, जाते ही हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं सब रेस्टोरेंट्स वगैरह, है ना. तो जो है इसी तरह ये टॉपिक जो है एक रेस्टोरेंट के ऊपर बेस करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर बाय योरसेल्फ एट योर होम्स. और आप लोग आराम से घर पे बैठ के अच्छे से इस चैप्टर को रीड करें, सब अच्छे से समझें. बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. आप लोग उसको रीड करें और समझें. मैं खैर, आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट समरी ऑफ दिस चैप्टर सो यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली. जब आप लोग खुद रीड करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. अच्छा, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि मम्मा हैं, पापा हैं और एक बच्ची है. बच्ची का नाम है आमना. आमना जो है वो अपने अपार्टमेंट में रहती है एक अपने मामा बाबा के साथ. सब जो है अपने मामा बाबा के साथ रहते हैं ना, इसी तरह आमना भी अपनी फैमिली के साथ रहती है. उसके मामा पापा जो है वो काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, और वो आमना जो है वो स्कूल का काम करती है, स्कूल जाती है. जैसे हम लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, वो लोग हमें वीकेंड पे घुमाने लेके जाते हैं, उसी तरह उसके पेरेंट्स भी उसको कभी कहीं ले जाते थे, कहीं उसको लाइब्रेरी ले जाते थे पढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं उसको उसके पेरेंट्स भी कहीं ले जाते थे. ठीक है, इसी तरह जो है उसकी मामा जो हैं वो, जैसे हमारे घर में हमारी मामा जो है खाना बनाती हैं, उसकी घर में भी उसकी मामा को खाना बनाना बहुत पसंद था. और उसकी मामा को ज़्यादातर सबसे अच्छा उनको कढ़ी बनाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत सारी कढ़ी बना कर रख लेती थी, सेव करके रख लेती थी, ताकि वो जो है अगले दूसरे दिन जो है वो बार बार गर्म करके वो खा सकें. क्योंकि हमारा भी जो खाना बच जाता है हम वो फ्रिज में रख देते हैं, ताकि हम जो उसे बाद में नेक्स्ट डे उसे गर्म करके खा लें, अगर कुछ ना बना हो. कभी ऐसा होता है ना कि कभी घर में कुछ नहीं बनता तो हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा रखा वक्त जो होता है, लेफ्ट आउट जो हमारा खाना होता है, हम उसको निकाल के गर्म करके फिर खा लेते हैं ना. इसी तरह वो कढ़ी बना के घर पे बहुत सारी फिर वो रख देती थी सेव करके फ्रिज में, और फिर वो जब निकाल के वो खा लेते थे. ठीक है, और उनके डैड, अच्छा उनके डैड को भी ना, आमना के जो डैड थे उनको भी एक बहुत अच्छी सी रेसिपी बनानी आती थी. उसकी रेसिपी का नाम था स्पेशल वेजिटेबल सरप्राइज़. तो वो वेजिटेबल का बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाते थे. अच्छा, उसके मामा पापा जो है, आमना के मामा पापा जो है वो जॉब पे जाते थे, तो वो अपना दोपहर में खाना जो है वो बाहर ही खाते थे ज़्यादातर. तो जो है उनके पेरेंट्स जो पापा थे उनके जो आमना के, वो जो है वो अपना रेस्टोरेंट में खाना खाते थे. डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाके वो खाना खाते रहते थे अपने ऑफिस वालों के साथ या जो भी. उसी तरह उनकी मामा जो थी वो अपनी ऑफिस की कैंटीन से खाना खाती थी, तो वो रोज़ बाहर खाना खाते थे. तो फिर वो घर आके वो डिस्कस करते थे आपस में बैठ के, मैं तीनों बैठ के आपस में बहुत सारी बातें करते थे. जैसे हम लोग अपने मामा पापा के साथ बैठ के बातें करते हैं, उसी तरह वो लोग भी घर आकर आपस में बैठ के बातें करते करते थे. एक दिन क्या होता है, एक दिन वो जब वापस आते हैं घर तो वो आपस में इसी तरह बात बात कर रहे होते हैं. तो लेकिन एक दिन वो अपने खाने के बारे में बता रहे होते हैं कि जो है हमने, डैड बताते हैं कि मैंने आज ये खाया था रेस्टोरेंट में, और मामा बताती हैं कि जो है उन्होंने ऑफिस में, ऑफिस की कैंटीन में जो भी खाया था वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं. तो एकदम से जो है आमना जो है वो बोलती है कि आप लोग मुझे कभी रेस्टोरेंट लेके नहीं गए. उनके मामा पापा उसको लेके नहीं जा पाते, कभी वो नहीं जा पाती क्योंकि वो लोग बिज़ी होते हैं काफ़ी, तो वो नहीं लेके जा पाते. तो वो अपने पेरेंट्स से
बोलती है कि आप तो मुझे नहीं लेके गए, मैं कभी नहीं गई हूँ रेस्टोरेंट, मुझे भी जाना है। तो उसके पापा बोलते हैं कि चलो हम लोग किसी दिन रेस्टोरेंट चलेंगे, और तुम बताओ हमें कौन सा रेस्टोरेंट जाना है। तो वो सोचती है, उसको समझ नहीं आता क्योंकि वो तो कभी गई नहीं है। तो वो फिर उसके पापा जो है उसके लिए जो है बहुत सारे मेन्यू कार्ड लाते हैं, वो जो मेन्यू होते हैं ना जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो एक मेन्यू लिस्ट हमें देते हैं वेटर्स। तो वो उसको उसके पापा बहुत सारी लेकर आते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं। फिर आमना को एक रेस्टोरेंट पसंद आ जाता है, तो आमना उसके बारे में कहती है कि वो उस वहाँ जाएगी। फिर वो लोग रात को सो जाते हैं। देन आमना को जो है एक ड्रीम आती है। अब वो उसको ड्रीम आती है कि जो है वो एक रेस्टोरेंट गई है अपने मामा पापा के साथ, और वहाँ पे वेटर्स जो हैं उसके लिए बहुत सारा खाना जो है वो लेकर आए जा रहे हैं, और वो खाई जा रही है खाई जा रही है खाई जा रही है, और सब जो है उसके मामा पापा वेटर्स वगैरह जो हैं सब उसके ना आपस आस पास खड़े हुए हैं, और सब उसको बोल रहे हैं खाओ खाओ खाना खाओ, वेस्ट मत करो, हमें खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। तो वो सब उसको बोल रहे हैं, जितना भी वेटर ला रहे होते हैं ना खाना, वो सारी डिशेज बोलते हैं खाती रहो तुम खाती रहो। वो इतना खाती है इतना खाती है, उसकी ड्रीम में वो इतना खा लेती है कि उसका पेट जो है वो इतना फुल हो जाता है कि वो बहुत थक जाती है। उसका उसका जो स्टमक होता है ना वो बहुत हर्ट करने लगता है, और वो एकदम बिल्कुल बलून की तरह उसका स्टमक हो जाता है, और वो अचानक से डर के आँख खुल जाती है उसकी ड्रीम से। वैसे ही उसकी मामा उसके पास आती हैं, उसको बोलती हैं कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ फिर हम लोग चलते हैं रेस्टोरेंट। वो घबराई भी होती है कि वो अचानक से, फिर वो रेडी वेडी होती है और फिर वो रेस्टोरेंट जाते हैं। वो रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो अपनी ड्रीम की वजह से जो इतना घबराई भी होती है, तो वो रेस्टोरेंट जाते हैं, वेटर उनके पास आता है, उनसे ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर फादर बताते हैं कि फादर अपनी डिश बताते हैं, मामा अपनी डिश बताती हैं, और आमना से वेटर पूछता है आप क्या खाएंगी, तो वो बोलती है आई वुड लाइक माई फेवरेट राइस एंड करी प्लीज़। वो जो है वो अपनी ही वो जो घर में वो हमेशा करी और राइस खाती थी, वो बोलती है मुझे वही चाहिए। और सब जो है उसकी उसके पेरेंट्स जो हैं उसको इतनी सरप्राइजली उसको देखते हैं कि ये घर, वैसे तो ये बोल रही थी कि मुझे करी और राइस नहीं खाने, लेकिन फिर वो क्या मांगती है रेस्टोरेंट जाके भी, करी और राइस ही मांगती है। खैर आप लोग जो है बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, यू लाइक इट, आई होप यू लाइक इट। आप लोग जो है उसको खुद पढ़ें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ओके उसके बाद आप जो हैं थोड़ा सा हम अपना काम देख लेते हैं। आपकी जो पुरानी कॉपीज़ हैं आप उसमें जो है अपना थोड़ा सा ये वर्ड्स मीनिंग का काम आप लोग अपनी कॉपीज़ में कर लें, ताकि आपके पास चैप्टर का काम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास वर्ड्स मीनिंग हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास पोर्शन। पोर्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट। वो पार्ट मतलब के हिस्से, हिस्से होते हैं ना चीज़ों के, जैसे घर के भी पोर्शन होते हैं पार्ट्स होते हैं, इसी तरह हम पोर्शन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है पोर्शन का, पार्ट हिस्सा। उसके बाद चॉर्स, चॉर्स मतलब टास्क, कोई भी काम, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं चॉर्स। फिर है टेरेबल, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, एक्सट्रीमली बैड। कोई भी चीज़ जो खौफनाक हो उसे हम कहते हैं टेरेबल, मतलब कोई खौफनाक सी चीज़ होती है ना उसे कहते हैं बुरी। सडनली, अनएक्सपेक्टेडली या क्विकली। सडनली क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अचानक से हो जाए उसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली, उसे कहते हैं सडनली। ठीक है, सडनली का मीनिंग क्या है, अनएक्सपेक्टेडली या फिर क्विकली, कोई भी ऐसी चीज़ जो अचानक से हो रही हो। उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है वरीड। ठीक है, वरीड मतलब डिस्टर्ब, मतलब परेशान होना, कोई भी परेशान हो जाते हैं ना हम लोग, जैसे कोई भी बात होती है तो हम परेशान हो जाते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे आजकल बहुत परेशानी चल रही है, परेशानी वाली हालत चल रही है ना, हालात चल रहे हैं, स्कूल्स बंद हैं, सारी चीज़ें जो है बंद हैं, आजकल की हालात ऐसे चल रहे हैं। फिर इंशाल्लाह जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है, आप अपने वर्ड मीनिंग जो है ये कॉपी पे करके अच्छा सा टाइटल पेज बना के, द रेस्टोरेंट का फर्स्ट मंथली का टाइटल पेज बना के, द रेस्टोरेंट का टाइटल पेज बना के वर्ड मीनिंग आप अपने न्यू पेज पे करेंगे स्टार्ट, जैसे हम अपने कॉपीज़ में काम करते हैं। आप लोगों ने क्लास टू में भी इसी तरह चैप्टर्स बनाए होंगे और चैप्टर्स में काम किया होगा, इसी तरह क्लास थ्री में भी वही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, बस आपके चैप्टर्स थोड़े से अलग हैं लेकिन पैटर्न वही फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद न्यू पेज पे वर्ड मीनिंग के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोग फ्लिंडर ब्लैंक्स कर लें। ठीक है, फ्लिंडर ब्लैंक्स, यहाँ पे हमारे पास चार फ्लिंडर ब्लैंक्स हैं। ठीक है, आप सबसे पहले वाली देखेंगे, आमना श्रग हर डैश। आमना क्या श्रग करती है, अपने शोल्डर श्रग करती है।
श्रग, मतलब कि यूं करके हिलाने को कहते हैं ना, कि हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, हमें नहीं पता, कोई हमसे कुछ पूछता है और हमें उसका जवाब नहीं आता, तो हम यूं करके अपने कंधों को अपने हम अपने कंधे हिलाते हैं ना कि हमें नहीं पता, उसे कहते हैं श्रग। उसे कहते हैं, वो आमना भी इसी तरह क्या कहती है, अपने श्रग अपने शोल्डर्स को हिलाती है। द फैमिली रीड थ्रू द डैश, फैमिली किस क्या चीज़ रीड कर रही होती है, मेन्यू रीड कर रही होती है। आप लोग जब स्टोरी रीड करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल स्टोरी रीड करिएगा ताकि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। डैश लिव विद हर पेरेंट्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, कौन रहता था अपने अपार्टमेंट में, आमना। डैश लाइक टू मेक अ लॉट्स ऑफ करी, करी किसको बनाना पसंद थी, मदर को। या आप फ्लिंडा ब्लैंक्स करेंगे, न्यू पेज पे आप ट्रू फॉल्स की हेरिंग डाल के अच्छा से ट्रू फॉल्स करेंगे, तीन ट्रू फॉल्स हैं आपके लिए। आमनास स्टमक हैड सॉल्वन अप लाइक अ बॉल, आमना का जो स्टमक था वो बॉल की तरह फूल गया था ना, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, ट्रू। दे वेंट टू अ हॉस्पिटल, वो क्या वो हॉस्पिटल गए थे, नहीं वो कहाँ गए थे, वो तो रेस्टोरेंट गए थे, तो हम क्या कर देंगे इधर, फॉल्स। उसके बाद थर्ड है, आमना हैड अ ड्रीम, आमना को ड्रीम आई थी, बिल्कुल आई थी, उसने ये सब चीज़ें ख्वाब में ही तो देखी थी, है ना, तो हम क्या कर देंगे इसको, ट्रू। ओके, ठीक है। ये करने के बाद आप लोग न्यू पेज पे सेंटेंसेस की हेडिंग डाल के, और ये फोर सेंटेंसेस हैं आपको अपनी ओन वर्डिंग्स में खुद बनाने हैं, ठीक है, ताकि आप छोटे छोटे वन वन लाइन के आप सेंटेंसेस बनाएं, ताकि आपको सेंटेंस क्रिएट करना है, आपको बनाना है, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप खुद बनाएं, ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, आप इसको अच्छे से करिएगा, अपना पूरा काम, ये जितना भी आज का मैंने आप लोग को बताया है वो सब आप काम करें, और आपको नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप जो है अपना ये वाला रेस्टोरेंट का चैप्टर जो है वो रीड करके रखिएगा, ताकि हम आगे इसका काम कर सकें, आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर सकें। ओके, I hope you like the story and I hope you all are fine and thank you so much for listening carefully and please kindly do your work and make sentences, okay? Thank you.